तो हाथरसनी घटनाना पड़घा सूरतमां पण पड्या। सूरत प्रदेश कांग्रेस कार्यकरोए कलेक्टर कचेरी खाते धरना कर्या। हाथरस कांडमां योग्य तपासनी मांग अने पीड़िताने न्यायनी मांग साथे कांग्रेस कार्यकरोए प्रदर्शन कर्युं। एक तबक्के विरोध उग्र बनता पोलीसे विरोध करता कांग्रेस कार्यकरोनी अटकायत करी। तो ठेर ठेर आज एक ज दृश्य जोवा मळी रह्या छे। कांग्रेस कार्यकरो अने पोलीस वच्चे घर्षण। कांग्रेस कार्यकरो के जेवो मौन सत्याग्रह पर आज देखावो करी रह्या छे, विरोध करी रह्या छे, कारण के तेमनी मांग छे यूपीना हाथरस में जे पीड़िता छे तेना परिवार ने न्याय मळे। अने तेज मांग साथे आज समग्र गुजरात में अलग अलग जग्याए कांग्रेस द्वारा मौन सत्याग्रह मौन रैली नो कार्यक्रम, परंतु पोलिस जे रीते बलप्रयोग करी समग्र कोंगी कार्यकरो कोंगी आगेवानों नो जे रोष छे ते डामवानो क्यांक ने क्यांक प्रयास करी रही छे। तो बीजी बाजू पोलिस पोताना बचाव में एम पण कही रही छे के कोईपण प्रकार की रैली की मंजूरी आपवामां नहोती आवी अने वधु माणसो भेगा थता। अत्याचारी पर लाल आंख करी होते तो आ दिवसों जोवाना न आव्या होते अने अमे विरोध नोंधवा बैठेला छे अहींया। बिल्कुल अहीं केटलीक महिलाओ छे, महिला कोंग्रेसना प्रमुख पण छे, तमे कहेशो पोलीसनी कामगीरी कई रीतनी छे, कई रीतनो विरोध छे, शुं कहेशो? सूरत शहर कांग्रेस समिति द्वारा आज अमे विरोध प्रदर्शन करी रह्या छे। हाथरस की घटना बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ऊपर जे प्रमाणे यूपी नी जे पुलिस छे ने दमन करेलो छे, अत्याचार करेलो छे, प्रियंका गांधी ना गिरेवान ऊपर पण जे हाथ नाख्यो छे एनो अमे आज विरोध करी रह्या छे। बलात्कारियों ने सजा आपवाने बदले अमारी ऊपर जे अत्याचार थई रह्यो छे आज अमे विरोध करवा बैठ्या छे। 5 मिनिट पण नथी थई अने पुलिस द्वारा अमारी धरपकड़ करी लेवामां आवी छे। આ તાનાશાહી છે અને આ ભાજપ સરકાર દ્વારા સતત લોકતંત્રનું ખૂન કરવામાં આવી રહ્યું છે। બિલકુલ, એટલે સુરતમાં જે પ્રકારે વિરોધ થઈ રહ્યો છે તેનો સીધો અત્યારે પોલીસ સાથે ઘર્ષણ થઈ રહ્યું છે। પોલીસ કોંગ્રેસના કાર્યકરો, મહિલા કાર્યકરો, મહિલા નેતાઓને અત્યારે ધરપકડ કરી રહી છે, તમે જોઈ શકો છો, અટકાયત કરવામાં આવી રહી છે, સીધું ઘર્ષણ જોવા મળી રહ્યું છે। હાથરસમાં જે ઘટના બની, જામનગરમાં જે ઘટના બની તેના સીધા ઘેરા પ્રત્યાઘાતો હવે સુરતમાં જોવા મળી રહ્યા છે। કોંગ્રેસ તેનો વિરોધ કરી રહી છે, તેનો વિરોધ અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે। જો કે કોંગ્રેસ મૌન ધારણ કરીને વિરોધ કરવાની હતી।